तो काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी है, लेकिन 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। करें क्या, है ना, हमें क्या लाना है, ये देखिए 5x+4 और 4 - x का होल स्क्वायर। लेकिन 5x+4 पे ध्यान दीजिए, तो आपको यहाँ से रिकवर हो रहा है कैसे, अगर हम रो को पूरे ऐड कर दें तो 2x 2x, 4x+x, 5x+4 सेम यहाँ से आ रहा है, 5x+4 सेम यहाँ से आ रहा है। अगर ऐसे ऐड करते हैं, कॉलम में ऐड करते हैं, तब भी आपको रिकवर हो रहा है, सिमेट्री है, कैसे भी ऐड कर लीजिए, तो एक ही करेंगे हम लोग। तो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग रो में लगा लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन R1+R2+R3, है ना। सबसे बड़ी समस्या होती है स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो लाना है वहीं से आपको क्लू मिलता है स्टार्ट करने के लिए। तो योर LHS बिकम RHS नहीं लिखेंगे, है ना, सिर्फ ये पार्ट नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ यहाँ रखे हैं ताकि आपको दिखता रहे लाना क्या है, ठीक है। तो LHS बिकम ये 5x+4 हो जाएगा, यहाँ भी 5x+4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 5x+4 हो जाएगा। और ये ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, x+4, और यहाँ भी क्या हो गया 2x 2x, और फिर क्या हो गया 2x और x+4 हो गया। अब क्या है, कॉमन करना है ना, रो किससे, फर्स्ट रो से। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखेंगे कॉमन करने के लिए, कुछ लोग कॉमन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखते ही नहीं है ना, तो उनको फिर मार्क्स मिलता भी नहीं है। तो कॉमन करने का मतलब रो को डिवाइड करना होता है, 5x+4 R1, और डिवाइड किया है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, रो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 1 1, और बाकी ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है तो कॉपी करना पड़ेगा सिर्फ, x+4 और 2x हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका 2x 2x x+4। नेक्स्ट पॉपुलर प्रिडिक्टेड है, क्या करें, 3 1 आ गया है तो इस कॉर्नर वाले 1 को इस्तेमाल करके 2 जगह 0 बना दीजिए, ठीक है, फिर एक्सपेंड कर दीजिए, यू गेट द आंसर। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया आपका, ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा। क्या करें, 2 0 बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखेंगे 0 बनाने के लिए, हम लोग लिखेंगे कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ये ला के यहाँ सबट्रैक्ट करना है, मतलब C2 ट्रांसफॉर्म करना है, C2 - C1, साथ में C3 को भी ट्रांसफॉर्म करना है, C3 - C1, कॉर्नर को यूज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका बिकम, अच्छा C1 ट्रांसफॉर्म हो नहीं रहा है, अरे C1 ट्रांसफॉर्म हो नहीं रहा है तो 2x और 2x लिख देते हैं, C2 ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो -1 मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है, 0 आ गया, -2x ला के ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 - x हो जाएगा, ठीक है, -2x ला के ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा। फिर क्या है आपका, -1 ला के ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा, -2x ला के ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा, -2x ला के ऐड कर देंगे 4 - x हो जाएगा। अब बताइए, ठीक है, या तो एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देते हैं, नंबर मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन पे तो दिखाने में क्या जाता है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, यहां से कॉमन हो रहा है, ठीक है, 4 - x, मतलब ये कॉलम डिवाइड हो रही है 4 - x से, और ये भी कॉलम 4 - x से डिवाइड हो रही है, आपको 4 - x का होल स्क्वायर चाहिए भी, है ना, तो कितनी अच्छी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दीजिए। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन करने के लिए क्या बताया था हमने, डिवाइड करना है, मतलब C1 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/4 - x टाइम्स C1, और C2 भी आपका हो जाएगा 1/4 - x टाइम्स C2। आपका जो पहले से था क्या था आपका 5x+4 और साथ में 4 - x, 2 आया है, स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर, और अंदर क्या बचा लिख दीजिए। तो पहला कॉलम, अच्छा ये दूसरे कॉलम में लगा हुआ है, तो C2 हमने किया, C2 में ट्रांसफॉर्म किया और फिर C3 से कॉमन किया, तो यहाँ C3 है ना। चलिए अब क्या करेंगे, C1 ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है तो C1 में ऐसे ही कॉपी कर देते हैं 1 2x और 2x, C2 ट्रांसफॉर्म हुआ है 4x से डिवाइड कर दीजिए 0, और फिर क्या हो गया 1 और 0, ये क्या हो गया आपका 0 0 1। अब क्या करें, अब तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पहले रो में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, या लास्ट C3 में और C2 में भी है, तो किसी का अबाउट खोल दीजिए, तो एक्सपेंड कर देते हैं अबाउट R1, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिंग अबाउट R1, है ना। वैसे भी सोचिए कि आपका आंसर तो आ चुका है,
सिर्फ करना क्या है, यहाँ से वन आएगा है ना, ये एक्सपेक्टेड है, उसके सिवा कुछ आना नहीं है। तो 5x प्लस 4, लेकिन प्रोसीजर तो दिखाना पड़ेगा ना कि वहाँ से वन ही आएगा, ये तो प्रेडिक्टेड है कि वन आएगा। चलिए खोलते हैं, तो वन टाइम्स टू बाई टू की डिटर्मिनेंट बचेगी, ये कॉलम बंद रो बंद, क्या हो गया 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई एक तरह से है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट वन आता है, 1 × 1 1 आ गया, -0 1 आ गया। तो अगले स्टेप में आप लिख देंगे, इसे हटा देंगे ना अगले स्टेप में, 1 × n दैट इज योर RHS है ना। तो सिंपल है आपका, प्रूफ हो गया।